कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हर साल हम देखते हैं जब भी ईद उल अज़हा आती है, बकरीद की ईद आती है, उस टाइम पर फसादात हो जाते हैं, बहरहाल ख़ास कर हमारे तेलंगाना में। अब तेलंगाना में जो है मुसलमानों की उम्मीद थी कि कांग्रेस की हुकूमत बन चुकी है, अब इस बार कोई ऐसा फसाद नहीं होगा, इस बार जो है कोई फ़िरका परस्त ताकत उभर कर नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की ये गलतफहमी दूर होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आज जो है मेदक में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। बड़े जानवर को लेकर एक मदरसे पर जो है कुछ सरपसंद लोग आकर वहाँ पर एहतजाज करने लगे और मुसलमानों के साथ मारपीट करने लगे। इसी के ताल्लुक से जो है अमजदुल्ला खान साहब से हम तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अमजदुल्ला खान साहब, क्या हुआ मेदक में, आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आखिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को कि मुसलमानों को किस तरह से डिफेंस करना चाहिए इन फिरका परस्त ताकतों के आगे? देखिए, सबसे पहले तो मेदक का वाक़या एक मिनाजुल उलूम मुल्क एक मदरसा है वहाँ पर इंद्रपुरी कॉलोनी मेदक में। तो उमन ये होता है कि मदरसों में जो लोग बाहर है अफराद वो कुछ पैसे भेजते हैं कुर्बानी के लिए, वहाँ पर भी भेजे तो बड़ा जानवर लेकर आए थे, बैल है पूरे उसके अंदर। तो बाज़ाफ़्ता उनके पास डॉक्टर सर्टिफिकेट है, ख़रीदे सो रसीद है। तो इसमें ये हुआ कि अचानक कुछ शरपसंद अनासिर तकरीबन एक पहले एक 25-30 आए, फिर उसके बाद में बढ़ते गए तकरीबन 100 लोग जमा हो गए वहाँ पर। ये हालिया में जो मेदक पार्लियामेंट में जो MP BJP जीतने के बाद में ये मेदक में जो है कम्युनल मेदक तो पहले से एक लेबोरेटरी रहा कम्युनल टेंशंस के लिए, तो वहाँ पर आके ये लोग जो है मदरसे के बाहर धरना देना चालू किए। तो इमीडिएटली वो मदरसे वाले क्या किए, वहाँ के मुकामी मुसलमान्स को बोले, फिर वहाँ के पुलिस वालों को बोले, पुलिस आई, तकरीबन 3-3:30 बजे से ड्रामा चल रहा। उसके बाद में क्या हुआ, ये लोग मदरसे में घुस के जानवरों को ज़बरदस्ती खींचने लगे, तो अपने बच्चे कुछ रुकाने की कोशिश करे, जिसमें ये लोग हमला किए, तकरीबन वहाँ पर स्पॉट पे 6-7 जने ज़ख्मी हुए। उसके बाद से यानी शाम 5 बजे से लेके तकरीबन 8 बजे तक पूरे मेदक में लालेसनेस चल रहा, हर एक एक मिनट को एक एक वीडियो आ रहा मेरे को, यानी 100-150 आदमी बाज़ाफ़्ता हाथ में लकड़ियाँ लेके जय सियाराम के नारे लगा रही और ना जाने क्या क्या नारे लगा कर पूरा रोड पर तकरीबन 10 किलोमीटर एरिया में वो लोग फिरते रहे। एक कोई मुस्लिम नाम था हॉस्पिटल पे, उसको मार के पूरा चिंदियाँ कर दिए, एक मेडिकल शॉप को चिंदियाँ कर दिए और कई लोग उसमें ज़ख्मी हैं, हमारे बॉम्बे आरिफ साहब ज़ख्मी हैं और आपके एक कोई आर्थोपेडिक हॉस्पिटल उसके ऊपर पूरा अटैक किए। तो मेरा बोलने का मतलब है कि शहर में यानी हुकूमत जो चलती उसकी आइस एंड ईयर्स जो है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होती। तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से मुसलसिल ये बात आम हो रही थी कि BJP और RSS कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाली है। तो इसके ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है सीधा सीधा, और ये पहला वाक़या नहीं है। तेलंगाना अलग होने के बाद से जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की इन पॉलिसी चला रही। मैं आपको थोड़े इंसिडेंट बताऊँगा। एक 22 जनवरी 2024 के दिन मस्जिद सराय मीर नारकेटपल्ली मस्जिद में अंदर ईशा की नमाज़ हो रही, बाहर एक ओपन ग्राउंड है मस्जिद का, ये जब राम मंदिर का इनाग्रेशन होने से एक दिन पहले मस्जिद के दरवाजे को बंद करके बाहर पूजा किए, 18 घंटे तक अंदर मस्जिद में लोग फंसे हुए रहे, दूसरे दरवाजे से उनको निकालना पड़ा। तो नलगुंडे की पुलिस खामोश रही, उल्टा ये जो शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ में केस बुक करने के बजाय वहाँ पर मस्जिद की कमेटी के ख़िलाफ़ में केस बुक किए। उसके बाद में दौलताबाद का जो संगारेड्डी का वाकया है कि एक जुलूस निकाले लोग बगैर परमिशन राम मंदिर की तामीर का इनाग्रेशन का जुलूस निकाले, पुलिस खामोश तमाशा रही। कोई बच्चे खेलते खेलते बालकनी से एक चप्पल आके गिरी, उसका घर जला दिए, उसकी दुकान तोड़ दिए, नंगा नाच 8 घंटे तक नंगा नाच चला संगारेड्डी दौलताबाद में, पुलिस खामोश तमाशा रही। उसके बाद में निज़ामबाद से पहले एक वेलपुर बोल के एक मौका है, वहाँ पर वेलपुर में मुसलमानों का ग्रेवियार्ड है, मुसलमानों के खबरस्तान में अंदर एक मंदिर की तामीर कर दिए निज़ामबाद का जो BJP का MP की मौजूदगी में। 3 दिन तक ये ड्रामा चलते रहा, निज़ामबाद की पुलिस खामोश रही। हाल ही आपके सामने जंगी चरला का वाकया है जो 25 मार्च 2024 के दिन होली के उसमें जो है मस्जिद के सामने एक शख्स पान के डब्बा लगा के वहाँ पर जो है प्रोहिबिटेड सॉन्ग्स लगा रहा, बार बार पुलिस को बोल रही, लेकिन पुलिस खामोश तमाशा रही। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है
कि या तो रेवंत रेड्डी इज़ अनफिट टू बी द चीफ मिनिस्टर, उनकी ग्रिप नहीं है पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, या नहीं तो इन्हों कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। कांग्रेस के सरबरा जो भी है इसका नोट लेना चाहिए, इमीडिएट या तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बदलना चाहिए या इनके रवैये को बदलना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए काला दिन रहेगा, काला सिया पूरा। यानी समझ रहे हैं कि ये जो गलतफहमी है कि अब मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है, ना अब असेंबली इलेक्शन है ना पार्लियामेंट इलेक्शन है, देखते देखते बल्दिया इलेक्शन आने वाले हैं, देखते देखते विलेज के इलेक्शंस है, बाजू महाराष्ट्र के इलेक्शंस है, इसका असर महाराष्ट्र पे होने वाला है। चलिए कहीं ना कहीं जो है पूरा कसूरवार सीएम टेबल टंडी को मानने लगे हैं अमजदुल्ला खान साहब। अब अमजदुल्ला खान साहब की बात पर आप जो है कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्या अमजदुल्ला खान साहब की सद तक सही है, क्या सीएम टेबल टंडी को लेकर इनकी सोच सही है या नहीं है, कमेंट के जरिए आप अपना जवाब दे सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर वन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कॉन्टेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस.com, ताकि आपके घर तक पहुँच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।